तो फिलहाल तो मैं अकेला ही हूँ क्योंकि नितिन को खेत में काम है और अंशु भी कहीं और जाएगा। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का सफर। यार एक तो इसे ध्यान से काटना यहाँ से क्योंकि दोनों साइड ऐसी हो। पहुंचने वाले हैं और पता नहीं यार टेम्पो है ना ज्यादा जोक सा लेके चल रहा है और मतलब पीछा पीछा सा महसूस भी कर रहा है। फिलहाल तो मैं इसमें हवा चेक करवाऊंगा पिछले टायरों में, कभी हवा कम होने की वजह से तो नहीं हो रहा है और पता नहीं क्या कारण हो सकता है। और इसकी कमान भी बढ़वानी है यार, कमानी जरूरी है क्योंकि रोड में चलता है तो कमानी बहुत जरूरी है, बाद में दिक्कत दे जाएगी। खराब हो रहा है और पत्थर बहुत दूर लोग बिछा रखे हैं, एक साइड बिल्कुल गिर रखी है यार। और मैं क्या करता भाई, इसमें फिलहाल तो कमानी मुझे जरूर बढ़वानी पड़ेगी, एक दो दिन में मैं इसमें कमानी बढ़वाऊंगा। और फिलहाल तो मैं आज अकेला ही जा रहा हूँ। स्टीयरिंग भी कैसा हो रहा है, एक तरफ को झोंक सा ले रहा है। और तो मैं इसे आके आज चेक करवाऊंगा, आज इसमें म्यूजिक सिस्टम भी इसका ठीक करवाना है क्योंकि वो बेस नहीं काट रहा, बस एक मतलब कि आवाज़ सी अजीब सी आ रही है स्पीकर में से। मैं बुढ़ाना आ चुका हूँ, सही 11 बजे मैंने बुढ़ाना मतलब एंटर कर लिया है और यहाँ से फिलहाल खतुल्ली आधा घंटा का रास्ता होगा मेरे हिसाब से। और खतुल्ली पहुँचने के बाद भी मुझे लगेगा आधा घंटा, यानी कि मान लीजिए मुझे एक घंटा लगेगा यहाँ से बुढ़ाना से, और 12 बजे मैं वहाँ जाऊँगा, आधा घंटा हमें माल तारने में लगेगा, ये मान लीजिए 3 बजे लोग आज आया जाएगा, आज फिर भी लेट ही हो जाऊँगा। तो फिलहाल मैं बुढ़ाना चलता हूँ और फिलहाल इसमें हवा भी भरवानी है और आज इसका भी बैठाते हैं टेम्पो का। फिलहाल तो बुढ़ाना में मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे आप बुढ़ाना में इस साइड से बढ़ते हो ना, आपको बिल्कुल जाम नहीं मिलेगा और इसमें हवा भी भरवा लूँ मैं यार, पूरा रास्ता नहीं लिखट जाएगा। हवा वाला कहाँ मिलेगा हमको भाई साहब रे। दो जहाज मेरे आगे कैसे चल रहे हैं, कितने ओवर लोड में है ये देखो, यानी अकल आ जाएगी मुझे। और एक है सामने गन्ने का ट्रक, दोनों की आमने सामने मुलाकात। और ये तो ट्रैक्टर है भाई साहब, और अर्जुन ट्रैक्टर है, वाह यहाँ पे अर्जुन ही खींच सकता है इसको, और कौन खींचेगा। खतुल्ली आ चुके हैं बहुत कष्टों के बाद, यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई टेम्पो को चलाने में क्योंकि लोड में है, झोंक मार रहा है, भी देखो कैसे झोंक ले रहा है। खतुल्ली में हम एंटर कर चुके हैं, बस जाम ना मिले खतुल्ली में यार, जिस चीज़ का डर है तो अच्छा रहा है। और खतुल्ली से जान सकता रास्ता रह गया कुल 15-20 मिनट का, मुश्किल से मुश्किल वही 12:20 पे पहुंचूंगा मैं, 12:30 बजे, कोई नहीं लेट तो होते रहते हैं। फिलहाल चल रहे हैं, आपको मिलते हैं खतुल्ली से बाहर क्योंकि जाम भाई साहब यहाँ देख थोड़ा सा देख के चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधानी से। और खाली सा पड़ा है आज भी तो रोड, जाम का तो फिलहाल कोई चिंता है ही नहीं। देखो हॉर्न सुनने के बावजूद भी साइड नहीं मिल रही, तो मिलते हैं आपको आगे। जब भी हमको जाम मिलेगा इस रूट पे मिलेगा क्योंकि इस रूट पे मील है, मील की वजह से सबसे ज़्यादा जाम मिलता है। इस रूट पे सबसे ज़्यादा जाम मिलेगा क्योंकि आपको ये सामने मील दिख रहा होगा, इस मील की वजह से। और ये फ्लाईओवर बना रखा है जाम से छुटकारा पाने के लिए और फाटक से भी छुटकारा पाने के लिए, बार बार के लिए, एकदम बार बार का एरिया, टेंशन फ्री हो गए जाओ। पर जाम इस पर भी लगता है, ये टेंशन दिल्ली का स्टेशन है ये। हाँ ये रहा वो मील। 2000 years later. जान सट पार्टी के माल उतर चुका और मैं चल दिया उतार के, मैं चला हूँ इनसे 12:42 पे, यानी कि मैं पहुँचूँगा 3 बजे के हेर फेर में। और 3 बजे पहुँच के घर, बस आज कुछ काम नहीं है, बस जान सट का ही माल जाना था और अपना देखता हूँ, अगर टाइम पे पहुँचा तो एक यार इसमें काम करवाऊँगा कमाने का। और यार बहुत सही में डेड लिफ्ट मारी थी 140,
140 डेडलिफ्ट मार रखी है ना, कमर दुख रही है, इसका कमर का इंतजाम करवाना पड़ेगा यार। आज इसने मुझे बहुत ज़्यादा पेन करा और मैं पसीने में लथपथ। मुजफ्फरनगर इनसे 22 किलोमीटर रह जाता है, बताओ यार। चलो यार, कभी काम निपट गया, जल्दी निपट गया, पर यार कमर बहुत दर्द कर रही है। एक बात है, पर जानसठ का रास्ता है एक नंबर का यार, ना कहीं इतने गड्ढे ना कुछ, बढ़िया रास्ता। 3 किलोमीटर फालतू आना पड़ता है क्योंकि सरदने को भी आ जा सकते हैं हमको, और बुढ़ाना को भी आ जा सकते हैं, तो इसलिए मैं बुढ़ाना का रास्ता बढ़िया लगा, क्योंकि 3 किलोमीटर ज़्यादा है, पर कोई नहीं, रास्ता बढ़िया है। अब हम आ चुके हैं घर और मैं आया हूँ सर हमको घुमाने रास्ते में। Thank you.